नमस्कार, आप देख रहे हैं crime100news.com। हर खबर सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। हिंदू धर्म में नवरात्रि के बाद रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए कानपुर में अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। रामनवमी के दिन शहर के कई क्षेत्रों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी से पहले बजरंग दल के लोगों ने मुख्य ध्वज को स्थापित किया। बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि पुराने कानपुर में लगभग 30 ध्वजों की स्थापना होगी और हर घर में भगवा ध्वज लहराएगा। उनका कहना था कि रामनवमी के दिन पूरा क्षेत्र भगवा ध्वजों से राममय हो जाएगा, जिसके लिए रामनवमी के पहले ध्वज स्थापना की जा रही है। ध्वज स्थापना मंदिर के महंतों द्वारा की गई। इस अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में समस्त क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। जय श्री राम। अपने यहाँ भगवान श्री राम का जन्म उत्सव की तैयारी हो रही है। ये सब इसमें जो है भव्य हिंदू समाज अपने पूरे शहर के जगह जगह से राम नाम की यात्रा ध्वज पूजन करके आज से और ये रामनवमी वाले दिन रामलला मंदिर एवं शहर में भ्रमण करेंगे, जिससे कि राम जन्मोत्सव का माहौल और राम जन्म की सबको बधाई देते हैं। जय श्री राम। कृष्णा तिवारी नाम है, बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम है 10 तारीख को जो रामनवमी है उसी के तहत हम सभी आज रामनवमी की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर भगवा ध्वज स्थापित कर आज मुख्य ध्वज स्थापित हो जाएगा और इसके बाद जस्तुपुरी नवाबगंज पुराने कानपुर में लगभग 30 ध्वज स्थापनाएं होंगी और हर घर में भगवा ध्वज बंधेगा और हर चौराहे पर भगवा ध्वज रहेगा। पूरा का पूरा क्षेत्र राममय हो जाएगा और भगवामय हो जाएगा।